पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी शादी हो रखी है? मुझे अगर शादी नहीं करनी तो मुझे पैसा दे दे, मुंह बंद कर ले। गले में मंगलसूत्र पड़ा, पति जिंदा है तो तू इस लड़के के पास क्यों गई? मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, मैं तेरे को मैं बता रही हूँ, मैं तेरे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जब तू शादीशुदा, तेरा पति है, तेरे को इसकी क्या जरूरत पड़ गई कि तू इसके पास चली गई प्रेग्नेंट होने के लिए? तुम्हें भी तो पता ही सब कुछ। मुझे क्या? साला माँ भी शामिल है, शर्म नहीं अभी। वो शादीशुदा है तो मैं क्यों उसको रखूँ अपने पास? तू नहीं रखेगा? मैं क्यों रखूंगा? तो उसके साथ क्या मस्ती कर रहा था, क्या कर रहा था तू? हाँ, मैं तो मस्ती कर ही रहा था। रामजादे, क्या कर रहा था उसके साथ है? जब तुझे पता था वो शादीशुदा है तो अपनी ऐसी तैसी मरा रहा था तू? पहले नहीं पता था मेरे को, पहले पता होता तो मैं थोड़ी उसके साथ रहता। अच्छा, अब पता चला तुझे? अब जब सब कुछ कर लिया तूने, अब हो गया तब ने पता चला। अच्छा, कि वो शादीशुदा है। तुझे लगता मैं तुझे छोड़ूं ऐसे? शादी तुझे करनी पड़ेगी, शादी तुझे करनी पड़ेगी, समझ गया? मैं नहीं करूंगा शादी उससे। तेरा बाप भी करेगा शादी तो? अगर शादी उसकी नहीं हो ही रहती तब मैं करता, भी उसकी शादी। अच्छा। एक और रखी, मैं दूसरी करूंगा। उसे लेके जा रहा था कमरे में, तब नहीं देखा था शादी हुई या नहीं हुई है? जब उसे प्रेग्नेंट किया जब नहीं देखा था तूने? तो वो उसकी मर्जी से हुई ना कि मेरी मर्जी से हुई है? तेरी मर्जी नहीं थी। हरामजादे, प्रेग्नेंट करने के बाद कह रहा है दोनों की मर्जी थी? तो वही तो आई थी मेरे पास, मेरे। हाँ, तू तो इतना सुंदर राजकुमार हो रहा है, तेरे चार तरफ तो लड़कियाँ घूमती फिर रही है। वो तो बाद में बताई कि उसके हस्बैंड के साथ जब झगड़ा हुआ तो मेरे पास आई थी। हाँ, तो तेरे पास क्या करने आई थी वो? मेरे पास आई पहले दोस्त बनने के लिए, फिर उसके बाद धीरे 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 बढ़ के फिर यहाँ तक हुआ मैटर। अरे मतलब जो तेरी फ्रेंड है वो पहले से शादीशुदा? हाँ। तेरे को पहले नहीं पता था? पहले नहीं पता था। वो प्रेग्नेंट हो गई है? हो गई है। अब उसने तेरे को बताया कि मैं शादीशुदा हूँ? अब बताइए। वो तो तेरे साथ शादी करने के लिए कह रही है? अब तो बोल रही है मैं कैसे करूँ शादी फिर? शादीशुदा आपकी बेटी? हाँ, शादीशुदा। कहाँ है उसका पति? वो छोड़ रखी है उसने 6 महीने से। लड़ाई झगड़ा हुआ, डिवोर्स हुआ? नहीं, डिवोर्स नहीं हुआ अभी। तो फिर इसके साथ कैसे उसने कर लिया? तो इसने फिजिकल कैसे हो गया ये? तो आपकी बेटी चल के गई है, ये चल के गया? ये दोनों आए, मुझे तो एक हाथ से तो ताली नहीं बजती। मैं तो भाई ये नहीं कह रही, मैं क्या कह रहा हूँ, एक हाथ से ताली बजती है। जब उसका डिवोर्स नहीं हुआ तो उसको सोचना चाहिए। तो इसे नहीं सोचना चाहिए था? इसको तो पता ही नहीं वो शादीशुदा ये? तो चलो इसे नहीं पता था है, किसी लड़की के साथ ही सो रहा है, कर रहा तो इसे नहीं पता। तो लास्ट में एक ऑप्शन है ना शादी करने का, अब वो शादी कैसे करेगा बिना डिवोर्स के? शादी तो करनी पड़ेगी। कैसे करेगा बिना डिवोर्स की शादी? अब अगर उसके पति को पता लग जाएगा कि वो पेट से है तो उसका पति चूतिया उसको डिवोर्स देगा? नहीं देगा, वो तो डिवोर्स का तो केस कर देगा। तो फिर केस उस आपकी बेटी के ऊपर करेगा, इसका क्या लेना देना? आप इसकी शादी कैसे कराओगे? क्यों नहीं लेना देना, बात बताओ ना। आप शादी कैसे कराओगे? कैसे कराओगे शादी? बच्चे का बाप तो ये, तो बच्चे का बाप ये, तो आप अपनी बेटी का डिवोर्स करवा लो। आपने जिस दिन अपनी बेटी का डिवोर्स कराया, साले का कान पकड़ के ना आपके घर पे लेके आऊंगा, शादी कराऊंगा। तब भी ना, मैं कह रहा हूँ जब, ठीक है ड्रामा लगा रखा है यहाँ पे। शादी करनी पड़ेगी, समझ गया? मेरी शक्ल क्या देख रहा है, चूतिया है? शादी जब डिवोर्स हो जाएगी तब की बात ऐसे है। कैसे डिवोर्स ले लोगे? अभी तक 6 महीने से डिवोर्स नहीं मिल रहा। आपकी बेटी ऐसी किसी के पास भी जाके प्रेग्नेंट होने के लिए तैयार होती बिना शादी? तमीज से पहले तो शादी शुदा लड़की अपने पति को छोड़ के अपने किसी दोस्त के साथ प्रेग्नेंट हो रही है, क्या तमीज होने के लिए जाती है? आवारा नहीं, क्या बोल रहा है वो? उसने क्या बोला सुना नहीं? पास गई है? क्या बोला था इसने? तो सुना नहीं? तभी तो क्या बोला था उसने? प्रेग्नेंट होना थी तेरे पास? अरे साथ में काम करती है ऑफिस में वो है, तो तुम दोनों के बीच में कोई हो ही होगी यारी दोस्ती, कुछ बातचीत जम तो गई होगी। दोस्ती तो थे पहले स्टार्ट, तो बात दोस्ती बकवास कर रहा है, बात तो दोस्ती से स्टार्ट हुई थी, मेरे को क्या पता उसी के ऊपर नाम लगा रहा। तेल तो भाई जबरदस्ती पकड़ के लेगी वो कमरे में। दोस्त तो बहुत सारी है ना, दोस्ती तो होती है लड़कों लड़कियों के बीच में। फिर क्या, अब प्रेग्नेंट है, बच्चे को अपनाएगा तू? बच्चे को अपनाएगा तो कहाँ मना करेगा, ये तो बाद में देखी जाएगी ना, पहले डिवोर्स तो लेके देख लो अपनी बेटी से। बच्चा तो इसका है वो। अच्छा एक बात बताओ, जो आपका पहला वाला दामाद है, जब उसको पता लग जाएगा कि उसकी बहू किसी और से प्रेग्नेंट है तो वो क्या करेगा? वो तो कलेश करेगा। कलेश आपकी बेटी के साथ करेगा? हाँ। तो फिर इसका क्या लेना देना? तो बच्चे का क्या करूँ जो प्रेग्नेंट होगी? मैं वही तो कह रहा हूँ कि एक अकेले हाथ से थोड़ी ना कुछ हुआ है। तो ये अगला मान नहीं रहा, कह रहा मेरे साथ वो आई थी मेरे पास, वो प्रेग्नेंट होने आई थी वो इसके पास, ये बताओ। आप कम समझ रहे हो क्या? मैं कम नहीं समझ, पागल हो आप? मैं अपनी बेटी का भी गलती उतनी मान रही हूँ, दोनों बराबर। क्या करना है? हैं? शादी करवानी है? शादी करवानी मुझे तो। करवा लो शादी।
ऐसे करवाओगे शादी? कर लूंगा शादी, इसको भी फसा दो उल्टा। कैसे करेगा फिर शादी? एक तो उसकी हो रही है, दूसरी मैं कर लूं। आप दो मिनट बैठो, ऐसे कैसे जेल में? हाँ ठीक है जाएगा, कोई बात नहीं। मेरी बेटी की जिंदगी खराब है ना, तू जेल जाएगा क्योंकि है प्रेग्नेंट किया ना तूने। नीचे मैं जाऊंगी नीचे। तेरे को और कोई लड़की नहीं मिली थी, शादीशुदा ही मिली थी तेरे को? भाई मेरे को क्या पता था वो शादीशुदा है? मेरे को पहले पता होता तो मैं थोड़ी करता उसके साथ फ्रेंडशिप। प्रेग्नेंट होने के बाद कह रही वो शादीशुदा? वो बाद में बताई कि प्रेग्नेंट जब होगी तो बोली कि अब हम शादी करेंगे। बोले ठीक है, फिर बोली कि अब कितने पैसे मांग रही है? पैसे तो बोल रही कि पैसे मेरे को नहीं चाहिए, अगर शादी कर लेते हो तो। और शादी नहीं करोगे तो 5 लाख रुपए मांग रही वो। पैसे का लालच है क्या? पैसे का लालच है? पैसे भाई पैसे, हम मेरे घर में किस चीज की कमी है? तो ये क्या कह रहा? तो मेरे से क्या मांग रही है पैसे? वो क्या बकवास मार रहा है? बकवास सच बोल रहा हूँ मैं। या तो शादी कर गया है, शादी की बात मेरे से कर रही है वो, पैसों की बात नहीं हुई है। तो मेरे को दोनों चीज बोल रही है ना कि शादी करोगे तो ठीक है, नहीं तो पैसे 5 लाख। तुझे बताऊं क्या? तुझे बकवास करने की जरूरत नहीं है। शादी भी करानी है, होने वाले दामाद को मारना भी है। मारू ना जब शादी नहीं कर रहा, आरती उतारू उसकी तो पहले उसकी। अरे शादी शुदा लड़की की दोबारा शादी कैसे करा सकते हो? यहाँ पे क्या अरमान मलिक का घर बनाना है तुम लोगों को? कोई बात ना, अरमान मलिक का घर ही सही, मुझे तो बनाना है, बेटी की शादी करवानी। पहले पति को क्या बोलोगे उसके? हैं? पहले उससे तो निपटो, फिर मैं तेरे से भी निपट लूंगी, उससे भी निपट लूंगी, जानता ना तो मुझे, समझ गया? अब ढंग से बात करना, मारना मत उसको। किसको? ये ढंग से बात करने वाला है? ये तुम्हें लग रहा है ढंग से बात करने वाला प्राणी है? ये देखो कितना मासूम है। आप चुप हो गए तो मैं थोड़ा बताऊं पब्लिक को क्यों आए यहाँ पे आप? पब्लिक को बताओ, तुम बताओ। हाँ जी भाई, क्या हाल चाल आप सभी के? होप हो गए सारे बढ़िया। हम आ चुके हैं और एक हेल्पिंग वीडियो के साथ। सारी चीजें आप सभी ने देख ली हैं, समझ नहीं आई होंगी आपको क्योंकि यहाँ पे हंगामा इतना हो रहा था। ये मैडम को ना बात बात पे मारने का ज्यादा शौक है। इसकी जो बेटी है वो शादीशुदा है, 6 महीने से अपने घर पे रह रही है क्योंकि पति के साथ बन नहीं रही और डिवोर्स नहीं हुआ, बस वो अपने घर रह रहा है, अपने घर रह रही है, कलेश चल रहे हैं इनके। तो जब बहू घर पे आती है, मतलब इनकी बेटी इनके घर पे आती है, तो उसके बाद एक दोस्त बना लेती है जो कि ऑफिस फ्रेंड है। ऑफिस फ्रेंड के साथ दोस्ती इतनी ज़्यादा गहरी हो जाती है कि अब वो शादीशुदा होने के बाद, अपना पति होने के बाद अपने इस फ्रेंड से प्रेग्नेंट हो चुकी है, जब तक उसने ये नहीं बताया था कि मैं शादीशुदा हूँ। अब जब प्रेगनेंसी वाली बातचीत आ गई है तो उस लड़की ने बोला है कि मैं शादीशुदा हूँ, या तो मेरे साथ शादी कर ले बच्चे को अपनाने के लिए, अगर शादी नहीं करनी तो 5 लाख रुपए दे दे। अब ये 5 लाख रुपए कौन देगा? आप दोगे? वो देगा? मैं किस चीज के दूंगी? तो घर पे तो आपके ही आने। मेरे घर पे किस लिए आने? बेटी किसकी है? मेरी बेटी है। तो फिर 5 लाख कहाँ जाएंगे? हैं? पता नहीं सर क्या कह रहा है, ये 5 लाख किस लिए मांगे? आप ज्यादा बोले मत बनो, समझ आ रही है? इसलिए मांगे हैं? ज्यादा बोले मत बनो आप। मैं अपनी बेटी से पूछ लूंगी ना। क्या पूछोगे आप अपनी बेटी से? आपकी बेटी ने आपको इसके साथ जाने से पहले बताया था कि मैं इसके साथ जा रही हूँ? नहीं बताया। तो फिर आपको ये बताएगी? बच्चे कहाँ बताते, ये बताओ कुछ। तो यही तो मैं आपको कब का समझाना चाह रहा हूँ कि नहीं बताते तो इतना अंधा यकीन कैसे कर रहे हो आप? अंधा यकीन? अब एक बात बताओ, ये शादी उसके साथ कैसे करे, शादीशुदा लड़की के साथ? चलो मैं कह रहा हूँ इसने बच्चा कर लिया, जैसे हुआ, उसकी मर्जी थी जो मर्जी था, उसको एक मिनट के लिए साइड रखते हैं। शादी तो मैं जैसे मर्जी तक करके करवा लूंगा, लेकिन अभी मुद्दा ये है कि जब तक डिवोर्स नहीं हुआ, शादीशुदा लड़की की दूसरी शादी कैसे होगी? आप बताओ, समझाओ। चलो हाँ समझाओ। लड़की प्रेग्नेंट है, अब मैं प्रेग्नेंट लड़की का क्या करूं, बच्चे का क्या करूं? कल को बच्चा जन्म लेगा, उसका क्या करूंगी? फेंक दूं? तो क्या करना बताओ, आप बताओ। तो मैं तो तभी शादी करवा रही हूँ। तो शादीशुदा तो पहले से ही है ना? तभी शादीशुदा तो पहले से ही है। तो भाई बच्चे को तो अपनाएगा, नाम तो देगा बिना वाइफ के? बिना वाइफ के? वाइफ तो है ना, वो वाइफ कहाँ है? वो शादी करवा रहा है। तो आपने पहले डिवोर्स ले रखा उसका? अब आप लोगों का पहले का क्या कलेश है वो तो हमें पता ही नहीं है। हाँ तो नहीं कि आप लोग फ्रॉड करते हो, आप लोग क्या करते हो? अरे किस बात का? पैसे लेन देन का आपका काम है क्या? हमें तो नहीं पता किस बात का फ्रॉड। लड़की अभी उसने तेरे को खुद बोला है वो प्रेग्नेंट है ऐसा करके? अभी तो हमने तो कुछ, हमें तो प्रूफ भी नहीं पता, वो है भी नहीं भी। भाई देखो पता तो मुझे भी नहीं, पर मेरी बेटी ने बोला है मम्मी प्रेग्नेंट हूँ, ऐसे ऐसे बात है।
उसने बताया मुझे, तो मुझे क्या तो पता? आपकी बेटी, आपने अपनी बेटी से ये नहीं बोला कि तेरे को पति के साथ 6 महीने हो गए रहे हुए, 6 महीने से तू जब उसके साथ मिली नहीं, रही नहीं, तो बच्चा कैसे हो गया? अरे खूब कलेश हुआ, तब उसने जाके बताया कि एक लड़का है, ऐसे ऐसे मेरे ऑफिस में एक लड़का है। तो आपको लगता है कि इसने किया है? मतलब इसने अपनी मर्जी से किया? अभी बता रहा है ये, वो कह रहा है कि वो आई है मेरे पास इमोशनली, तो सारी चीजें हुई है। ऐसा नहीं होता भैया, ऐसा नहीं होता। जस्ट क्या बोला, एज ए फ्रेंड पहले थे हम, फिर धीरे धीरे क्लोज आई मेरे, मैं सोचा कि वो सिंगल है, शादी शुदा है नहीं, तो मैं भी क्लोज गया, फिर साथ में हम रिलेशन में आए। किसकी मर्जी थी वो बच्चा बच्चा करने की? बच्चा बच्चा तो ऐसे मर्जी नहीं था, लेकिन तेरे को लगता है कि वो बच्चा हो सकता है उसको, या आप झूठ बोल रही है? तेरे को लगता नहीं, हो सकता है। हो सकता है, क्यों लगता है तेरे को ऐसा? क्योंकि हम साथ में रहे हैं। और इनकी बेटी के साथ सोया तू? हाँ। देख के देख लो, देख लो, देख लो तो कैसे आराम से बात कर रहा है। सोया सोया में सोया है ना, कितने आराम से बात कर रहा है। तो दोनों की मर्जी से हुई ना कि मेरी सिर्फ मर्जी से? सुनो, एक की गलती नहीं है भाई, दोनों की गलती है, मैं तो दोनों की बता रही हूँ। तो 5 लाख रुपए क्यों मांग रही है? अब 5 लाख रुपए क्या मैटर है वो भी बता मुझे। 5 लाख का मैटर ये है कि बोली मेरे से शादी करो, नहीं तो 5 लाख रुपए दो। अब वो बता दी कि मेरी शादी पहले से हो रखी, तो मैं कहाँ से शादी करूँगा उससे? जब उसके साथ सोया था, जब नहीं पता था कि चल शादी ना भी हो, जब उसके साथ सोया था, जब ना पता था क्या कर रहा है, कल को कुछ हो भी सकता है, तो तब नहीं पता था। तो मैं कहाँ पीछे हट रहा हूँ शादी करने से, लेकिन बाद में बताया ना कि पहले से उसकी शादी हो रखी है। तुम लोग चले जाओगे लड़कियों को लेके, लड़कियों की जिंदगी खराब करने, उसके बाद बकवास करते हो। उसकी शादी नहीं हुई रहती है वो। अरे तू तब भी नहीं करता, तुम्हारी लड़की होती तो तब भी नहीं करता, तब भी कोई बहाना मारता तू। कर लेता ना मैं? हाँ कर लेता तू, बकवास। मैं तो यही छेद दूंगी, समझ गया? फालतू मत बोल। फालतू नहीं बता रहा हूँ, जो बात है वही बता रहा हूँ। बता रहा हूँ भाई, क्या करना बताओ। आप ही हो उसकी माँ, जो आप बोलोगी वही करेंगे। देखो भाई, मुझे 5 लाख का तो नहीं पता ना, मुझे 5 लाख चाहिए शादी। शादी तो करा सकते हैं, पर आप डिवोर्स ले लोगे तो शादी के लिए तो मैं इसका कान पकड़ के लेके आऊंगा। नहीं, डिवोर्स तो मैं करा दूंगी। जब आप कराओगे डिवोर्स में, आपको पता है ये तो है नहीं, हलवा तो है नहीं, एकदम डिवोर्स हो गया। पटिशन दायर करनी पड़ेगी, कोर्ट केस चलेगा, उसमें दोनों पक्ष आएंगे, दोनों पक्ष एग्री होंगे तो वो हो जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा, ठीक है। और वो एग्री भी है, लड़की भी एग्री है, वो मेरा पहला दामाद भी एग्री है डिवोर्स करने के लिए। हाँ। है ना? तो अभी तक डिवोर्स क्यों नहीं ले रहे थे? अभी मैं ये सोच रही थी कि अब तो दोनों की बन जाए। अबे धंधा चालू कर रखा तुम लोगों ने, समझ आ रही है? अरे किस बात का धंधा? कुछ नहीं हो रहे, पैसा कमाने का चक्कर करा रखा तुमने। किस बात का? बेटी और माँ ने, और क्या? अरे दिमाग, पहले वाला दामाद का पता नहीं अता पता कहाँ पे, और दूसरे को पहले पकड़ लिया। इससे कौन से पैसे ले रही मैं? तो 5 लाख रुपए कौन मांग रहा? मना कर रही हूँ ना मैं। तुम मना कर रही हो ना? कल के दिन लड़की कंप्लेंट कर देगी, फिर क्या कर लोगी? उसके लिए मैं बैठी हूँ, मैं बैठी हूँ। कहाँ पे ढूंढेंगे आपको? 5 लाख रुपए देख के एकदम पागल हो जाओगे, फिर क्या करेंगे हम? अच्छा अरे जाओ ना यार, मैं कहाँ जाऊँ? ड्रामे कर रहे हो यार। करेगी तो पुलिस तो उसकी सुनेगी। अरे एक काम करते हैं, आप इनकी बेटी को यहाँ पे बुला लेते, सच का सच झूठ का झूठ, और ना बुलाना नहीं पड़ेगा यहाँ पे। उसको किस लिए बुला रहे आप अपना? अच्छा अरे आप 2 मिनट सियाणी मत बनो, ठीक है? आप 2 मिनट चुप रहो ना, वो क्या बोल रहे? एक काम करते, ये माँ और बेटी का जो ड्रामा चल रहा है ना 5 लाख रुपए का और प्रेगनेंसी का, थोड़ी देर में पता लग जाएगा कि कौन किसके साथ मिला हुआ है और कौन किसके साथ नहीं मिला हुआ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट आ रहा, उसको स्क्रीनशॉट को क्लिक करना, मतलब स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना, और हम आपको मिलते हैं वीडियो के एंड में। फोन निकाल अपना। क्या किसने बुलाया था ना मुझे यहाँ पे? हाँ बात करने के लिए बुलाया, बैठो ना यहाँ पे। क्या मैं तेरे से रोज रोज एक ही बात करूँ? बैठो ना, बैठ के बात करते हैं। बोल। हाँ शादी के लिए तुम बोल रही थी जो, तो शादी तो अभी कैसे कर सकता हूँ मैं तुमसे? शादी तो नहीं कर सकता अभी। क्यों नहीं कर सकता? तेरे को मैंने इसलिए बुलाया ना कि शादी करे, इसलिए बात करने के लिए तूने मुझे बुलाया है ना, अब क्यों मना कर रहा है तू? तो तुम्हारी पहले से एक शादी हो रखी, मैं कैसे इसको उतारना? ये दिमाग मेरा ना दिमाग मत खराब कर, समझ में आई तेरे को? ये गले में मंगलसूत्र पहन रखी हो अपने पति के नाम की, तो क्या हो गया? दूसरे उतार दूंगी मैं, क्या हो गया? तो ऐसे ही होता है क्या? मतलब शादी उतार दोगी? शादी हो गई नहीं हो गई? तुझसे मैंने शादी के लिए बोला था, तू बता करेगा कि नहीं करेगा? तुम्हारे पहले हस्बैंड के साथ तुम्हारा डाइवोर्स नहीं हुआ, मैं शादी कैसे करूंगा फिर? तुम मेरे ना सामने ना जाना ना, कीले पत्नी मत ठोके, तेरे को मैं बता रही हूँ, समझ में आई हिंदी में? ठीक है, बैठ के बात कर सकते हैं ना? क्या बात करूँ मैं तेरे? बैठ के आराम से बात। अगर शादी नहीं करनी तो मुझे पैसा दे दे, समझ में आई ना? पैसे कहाँ से दूंगा मैं? जहाँ से मर्जी दे, मुझे पैसे चाहिए, समझ में आई तेरे को? मैं बता रही हूँ हिंदी में, ठीक है? और यहाँ बैठ जा चुपचाप से, बहुत हो गया तेरा ड्रामा।
तो कहाँ से पैसे? मुझे शादी करेगा पैसे देगा? हाँ मैं शादी करूंगा, लेकिन तुम पहले डाइवोर्स ले लोगी तब करूंगा। मैं ले लूंगी जब मुझे लेना होगा। तूने सोचा है कि मैं क्यों बोल रही हूँ, किस लिए बोल रही हूँ? ज्यादा करेगा ना तो बता रही, फंसवा दूंगी मैं तेरे को अच्छे से। समझ में आई? तुम मेरे पास आई थी ना, मैं गया था तुम्हारे पास। जवान मत चला, अपना मुंह बंद कर ले अपना, ठीक है? पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी शादी हो रखी है? मैं तुम्हारे साथ ही नहीं आता, फिर तुम्हारे साथ रहता ही नहीं, रिलेशन भी नहीं आता। है तो उसका छोड़, मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, मैं तुझे हिंदी में समझा रही हूँ। मुझे पैसे दे दे, नहीं तो मेरे से शादी कर ले, और अगर ज्यादा करेगा ना तो मैं तुझे अभी यहीं जेल पहुँचवा दूंगी। समझ में आई ना तेरे को? मैं बता रही हूँ हिंदी में, ठीक है? ये लड़की हो ना तो ज्यादा फायदा मत उठाओ। मैं क्या फायदा उठा रही हूँ? तुम लड़के उठाते हो फायदा, मैं क्या फायदा उठा रही तेरा? मैं क्या तेरा फायदा उठा रही? बताइए मुझे जरा, बता ना। ये पुलिस की धमकी क्यों दे रही हो? तो दूंगी नहीं, तू घूम लिया फिर लिया सब कुछ कर लिया, अब तुझे धमकी नहीं दूंगी तो तुझे पूछूंगी क्या मैं यहाँ पे? लड़की होने का ज्यादा फायदा मत उठाओ, ठीक है? मुझे पता है कि पुलिस तुम्हारी सुनेगी, लेकिन जो भी हुआ तुम्हारी और मेरी मर्जी के हिसाब से हुआ। वो तो ना मैंने तेरे को छत्ती पर समझाया, तेरे को समझ नहीं आ रही? नहीं आ रही तेरे को? तो समझ नहीं आ रही कि तू पीट के आ रही है? मेरे हाथों से मर के जाएगा अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो। तेरे को मैं पैसों के लिए बोला है, पैसे दे दे, कहां से पैसे? मुझसे शादी कर ले। मैं पैसे नहीं दूंगा, पैसे कहां? तेरे को समझ नहीं आ रही क्या? मैं कहां से पैसे लाऊंगा? 5 लाख रुपए मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। डाका डाल, चोरी कर, कुछ भी कर। समझ में आई? आ रही इधर भेजे मैं, समझ? मैं नहीं दे सकता पैसे, मेरे पास नहीं है। ये मेरा दिमाग खराब कर रहा है, मैं इसको क्या करूं? मैं तो समझ नहीं आ रहा, नहीं समझ नहीं आ रहा मुझे, मुझे समझ नहीं। कहाँ जा रहा है तू? कहाँ जा रहा है तू? नहीं कहाँ जा रहा है? नहीं कहाँ जा रहा है? नहीं कहाँ जा रहा है तू? हैं? कहाँ जा? कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है तू? बता। जैसे मैंने पैसे मांगे ना, पैसे दे दे, नहीं तो शादी कर ले, ठीक है तेरे को? नहीं तो बहुत अच्छे से फंसवा दूंगी मैं, इतना फंसाऊंगी ना कि तू सोच भी नहीं सकता। तेरा बहुत बुरा हाल करूंगी मैं। मेरी क्या गलती है? तुम शादीशुदा हो तो मैं कैसे तुमसे शादी करूं? जैसे मैं कह रही हूँ कर ले तो कर ले। एक तो शादीशुदा हो, ऊपर से शादी करने के लिए बात कर रही हो। क्यों? जब तूने नहीं सोचा, जब तू मेरा बॉयफ्रेंड बना था तो मुझे क्या पता था कि तुम्हारी शादी हो रखी है? पता होता तो मैं थोड़ी तुम्हारे साथ आता। हमेशा लड़कियों को ही गलती दी जाती तो पूरी छानबीन कर लेता ना, जब रिश्ता ढूंढने जाते तब भी तो करते हो। तो तुम भी तो पहले नहीं बताई ना कि मेरी शादी हो रखी है पहले। नहीं क्यों बताएंगे हम? नहीं बताई तो नहीं बताई, क्या हो गया? अब तो पता चल गया, अब तो समझदार बन जा तू। तो मैं दिमाग में भी नहीं बैठ रही। पता चल गया तो मैं क्यों करूंगा शादी तुमसे? फिर मेरा दिमाग खराब कर रहा है। एक तो तुम्हारा नहीं करेगा शादी, एक तो तुम्हारा डाइवोर्स। मेरी बात सुन, शादी नहीं करेगा? नहीं नहीं करेगा। एक तो नहीं करेगा। तो फिर पैसे निकाल। पैसे भी नहीं है मेरे पास। पैसे निकाल। फिर समझ में नहीं आ रही? नहीं समझ में आ रही? मैं पैसे वैसे नहीं दूंगा, मेरे पास नहीं है। नहीं आ रही क्या? क्यों मुझे मार रही हो? क्यों? तेरा तो मैं इतना बुरा हाल कर रही हूँ जिसको कोई हिसाब नहीं। समझ में आई? जब तो तूने सोचा नहीं ना, अब तो तू पछता रहा है ना? पछताएगा? अब मुझे तो आई रहा है। पछताएगा तू, और जिंदगी भर पछताएगा तू। कोई नहीं है यहाँ पे। मुझे तो पछतावा हो रहा है ना, तुम्हारे साथ क्यों मिला मैं, तुम्हारे साथ क्यों रहा? तुम ऐसी हो, मुझे पहले से अगर पता होता तो मैं तू जवान चला रहा। तुझे समझा रही हूँ मैं, समझा रही हूँ हिंदी में, बहुत हो गया। मैं शादी नहीं कर सकता, ना पैसे दे सकता हूँ, मेरे पास नहीं है पैसे। ये बच्चा लेके कहाँ जाऊँ मैं? खर्चा तेरा बाप उठाएगा, कौन उठाएगा? जब दुनिया पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी किसी को, बता? तो तुमको पहले बताना चाहिए था ना कि तुम शादीशुदा हो। नहीं, मैं किसी को क्या जवाब दूंगी? वो तुम जानो तुम क्या जवाब दोगी। खड़ा हो जा। नहीं,
बहुत तेरा ड्रामा हो गया, ठीक है? बच्चे का खर्चा कोई और नहीं उठाएगा, तू ही उठाएगा, समझ में आई? जब शादी होगी तब ना उठाऊंगा मैं। शादी? शादी तो कर लेंगे, पैसा तो दे दे। पैसे नहीं है ना मेरे पास, मैं कहाँ से दूँ पैसे? कौन देगा, कौन देगा? मुझे तू रहा मेरे साथ, तू मेरा बॉयफ्रेंड बना, किसी ने तेरे को बोला था बन क्या? मुझे नहीं पता, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे कहाँ से दूँ? पैसे तेरे पास? तो पैसे नहीं है, कौन देगा? नहीं है मेरे पास। कौन देगा? नहीं है मेरे पास। कौन पैसे? देगा? नहीं है। नहीं, कौन देगा? मुझे नहीं पता। कौन देगा? मुझे नहीं पता। कौन देगा बता मुझे, पता कौन देगा? तू नहीं देगा तो कौन देगा? मुझे नहीं पता। नहीं तेरे को समझ नहीं, सच्ची बात समझा, तेरे को समझ नहीं आ रही क्या? नहीं बोल बोल। तुम पहले से शादीशुदा हो तो मैं कैसे तुमसे शादी करूंगा? एक तो तुम्हारा डाइवोर्स नहीं हुआ है तो मैं कैसे करूं? हाँ, मैं शादीशुदा हूँ, नहीं हुआ मेरा डिवोर्स। और बता, मैं तेरे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ तो दुनिया को नहीं पता ना, बताऊंगी मैं हूँ थी, अब भूल जा तू, अब तेरा जीना आराम करूंगी मैं, समझ में आ गई ना? तेरे को किसी लायक नहीं छोड़ूंगी मैं। तो पहले क्यों नहीं बताया कि तू शादीशुदा है? फालतू मत बोल, ये खर्च तेरे बच्चे का खर्चा कोई और नहीं उठाएगा यहाँ पे, समझ में आई ना? समझ में आई? फालतू नहीं बोल रहा हूँ, जो बात है वही बता रहा हूँ मैं। फिर जवान जवान नहीं चोरी कुछ तेरे को, जब बोल दिया ना, नहीं बोल दिया ना, छोड़ो मुझे, समझ आती नहीं आती? इसको कहाँ शर्म आई? ये पहले पहले बताई थी मेरे को, ये पहले बताई थी, बोल ही मत, इसको तो मैं सुधार रही हूँ। ये पहले बताती कि शादी सुधा है तो मैं इसके साथ जाता ही नहीं। चुप हो जा, चुप हो जा, वरना इसकी जगह तू पिटेगा। हाँ क्या क्या कर रही है? देख लो, 5 लाख बोल रही थी ना, नहीं मांगेगी। क्या कर रही है, क्या चाहिए तुझे? तू सच में प्रेग्नेंट है? तू सच में प्रेग्नेंट है? हाँ चल रही हूँ डॉक्टर के पास, अभी बता दे, अभी बता दे, अभी बता। प्रेग्नेंट है तू? तू प्रेग्नेंट है? तू प्रेग्नेंट है? तू प्रेग्नेंट है? तू नहीं, काहे झूठ बोला? क्यों झूठ बोला? क्यों झूठ बोला? देखो तब से मेरे को परेशान कर रही थी। बोला कि प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है? पैसे बोला? क्यों झूठ बोला? पैसों के लिए, पैसों के लिए। किस चीज की कमी है तुझे? किस चीज की? आ गई ना सच्चाई अभी, पैसों के लिए बात कर रही हूँ ना। हाँ करो करो। किस चीज की कमी है? किस चीज की नहीं। फिर क्यों पैसे मांग रही थी? 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 तुझे तो इधर क्यों पैसे मांग रही थी? हाँ क्या सुन रही मैं? प्रेग्नेंट नहीं है तू? देख लो अभी भी मार रही है, अभी भी मार रही है मेरे को। मतलब तू अपने पति से छुड़ छुड़ा के घर में बैठी है 6 महीने से बैठी है ना? हैं? तो उसमें क्या कीड़े पड़ गए थे जो इसमें हीरे जड़े हैं क्या? नहीं हैं? फिर उसे छोड़ के तेरा मन नहीं भरता है? इससे कितने चाहिए तू? कितने चाहिए? कितने चाहिए तुझे बता मुझे? तूने बुलाया क्या इनको यहाँ पे? हाँ मैंने बुलाया। मैंने बुलाया? मैंने ही बुलाया। हाँ इसने बुलाया मेरे को, तो मैं अच्छे से सेट कर दूंगी, समझ में आई ना? पैसे चाहिए ना तुमको? पैसे पैसे चाहिए? चाहिए पैसे? क्या बकवास है? पैसे चाहिए? मुझसे बात कर, तुम क्यों मार रही हो? देखो तुम्हारे सामने ही मार रही आंटी। पता नहीं है तुझे क्यों मार रही हूँ मैं, तुझे पता नहीं है? हैं? मुझसे क्या बोल रही है? मम्मी प्यार करती हूँ एक लड़के से और अब प्रेग्नेंट होगी, शादी करूंगी, यहाँ पता चल रहा है 5 लाख? 5 लाख क्या करेगी? 5 लाख का क्या करेगी? क्या करेगी 5 लाख का? कुछ नहीं। क्या करेगी 5 लाख का मुझे बता, क्या करेगी? कुछ नहीं। फिर किस लिए मांग रही थी? और तू जिसमें तू प्रेग्नेंट भी नहीं है, तू प्रेग्नेंट भी नहीं है, तू तू प्रेग्नेंट भी नहीं। देख लो इसके चालबाजी। इसलिए अब बता मुझे क्या क्या चाले चल रही थी मेरे साथ? तू चुप रह, तू कौन सा दूध का धुला? आराम जाता है? दूध का धुला नहीं होता, आप मेरे मेरे पे ही ब्लेम कर।
मेरे पे ब्लेम कर रहे थे ना कि आपके नहीं पता आपकी बेटी सही है। देख लो अपनी बेटी की हरकतें। तुझे ज्ञान पिलवा दूंगी मैं अभी। पैसे नहीं मांगेंगी, वो पैसे है उसके पास। क्या बोल रहे? मैं तुझे मना कर रही हूँ, 2 मिनट चुप हो जा। चुप नहीं हो जा रहा? हाँ भाई, क्या चाहिए तुझे? क्यों पैसे मांग रही है? प्रेग्नेंट भी नहीं है तू तो? क्या नहीं, मैंने वैसे क्या ड्रामा चल रहा है यहाँ पे? क्या ड्रामा चल रहा? क्या ड्रामा चल रहा? क्या ड्रामा चल रहा? क्या ड्रामा चल रहा? क्या चल रहा है यहाँ पे? इधर आ, इधर ना, इधर आ, इधर ड्रामा चल रहा है यहाँ पे? है? जब तू पहले से शादीशुदा है, तूने मंगलसूत्र पहन रखा, उसके बाद तेरे को इसकी क्या जरूरत पड़ गई? तेरा पति है तो अभी तक तेरे को ये पसंद था, अब तू इसको मार रही है। किस चीज के 5 लाख रुपए मांग रही है? सब पैसे का खेला। किस चीज के 5 लाख रुपए मांग रही है बता? किस चीज के 5 लाख रुपए मांग रही है? आपकी बेटी है ना, देख लो। और मार इसको, पैसे के लिए आई थी। और मार इसको। तू मुझे एक बात बता, मैं एक बात बता। इधर आ, इधर इधर खड़ी हो, इधर इधर आ जा। जब तू शादीशुदा, तेरा पति है, तेरा डिवोर्स नहीं हुआ, तो तेरे को इसकी क्या जरूरत पड़ गई कि तू इसके पास चली गई प्रेग्नेंट होने के लिए? क्यों गई है? प्रेग्नेंट है तू? नहीं, प्रेग्नेंट नहीं है। नहीं है, टाइम पास कर रही थी इसके साथ। पैसों के लिए टाइम पास कर रही थी इसको, मैंने सोचा फसा। क्या मर रही है क्या बिना पैसों के? बिना पैसों के मर रही है क्या? मर रही है क्या? मर रही है क्या बिना पैसों के? किसी चीज की कमी नहीं है फिर देखना कैसे गुल खिलाए इसने। तो बेटी तो आपकी है। अब भाई बच्चे आजकल बिगड़ जाए तो शर्म तो आपको आनी चाहिए। अपनी बेटी को तो संभाल नहीं पा रहे हो, यहाँ पे दुनिया भर का ज्ञान दे रहे थे। मेरे को क्या ही करो ज्ञान ना तू तो। मेरे को मुझे क्या पता मेरी बेटी ऐसे प्रेग्नेंट भी नहीं है ये। मेरे को तो शरीफ लगी थी शुरू शुरू में। तो इतना बड़ा ड्रामा क्यों करा था पैसों का? इतना बड़ा ड्रामा क्यों करा? मैंने किया ड्रामा? किसने करा? मैंने नहीं किया। किसका ये? ये बता, किसका ये? इसका और इसका है? दोनों का है? इधर आ। जब तेरे को अब पता लग चुका है कि वो शादीशुदा, अभी भी इसके साथ अपनी ऐसी तैसी करेगा? करेगा ऐसी तैसी? नहीं। खड़ा हो यहाँ पे, नीचे बैठ, हिलियो मत यहाँ से। तुझे तो मैं सुधारूंगी। गलती किस बात की? मंगलसूत्र को अपने हाथ में उठा, उठा। जब तेरे गले में मंगलसूत्र पड़ा मतलब तू शादीशुदा, तेरा पति जिंदा है, तो तू इस लड़के के पास क्यों गई थी अपनी ऐसी तैसी करने के लिए? वो था ना तो मेरे को कोई चाहिए था, कोई चाहिए था। मतलब पति अगर साथ नहीं रह रहा, झगड़ा हुआ है, तो उसके अलावा कोई लड़का चाहिए, मतलब यही है ना? ले लो लड़का। और जब लड़के ने तेरा साथ दिया तो उसके बाद लड़के से ही 5 लाख रुपए ले रही है ये बोल के कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे पेट में बच्चा। शर्म आ रही है? तुम मुझे क्यों मार रही? तुम्हें भी तो बताइए सब कुछ। मुझे कब पता था? मुझे कब पता था? और तुम इनके सामने इतना ड्रामा कर रही हो? भाई साहब ओ हेलो। अरे मुझे कहाँ से पता? अभी पता चला मुझे। 2 मिनट में ना मुंह तोड़ दूंगा आपका। इधर तमीज से, यहाँ तमीज से, इधर इधर इधर, ज्यादा बनो मत। अब ये झूठ बोल रही है, पड़ मारूंगा मैं। चल जो तुझे करना कर ले, पर इसको मैं सुधार दूंगी। ऐसे थप्पड़ मारूंगा ना, दांत इधर उधर हो जाएंगे तुम्हारे। पर ये झूठ, आ तो आज के बाद तो मेरे घर में मत। एक मिनट ज्यादा ना ड्रामे मत कर, यहाँ पे खड़ी रहे, यहाँ पे खड़ी रहे। ये जो प्रेगनेंसी का ड्रामा था, इसमें तेरी माँ शामिल थी? हाँ, मैं तो इनसे प्यार करती हूँ। अरे झूठ बोल रही भाई, बच्चे का झूठ बोल के इससे पैसे हैं। मैंने तुझे पैसा, तूने पैसा, ये प्रेगनेंसी का जो झूठा केस लगाने का कह रही थी, तेरी माँ ही थी? साला माँ भी शामिल है, शर्म नहीं? अभी जाओ ना। अरे नहीं थी, ये नहीं थी। बेटी आपके ऐसे झूठ बोल देगी? शर्म आनी चाहिए आपको। सही में साला माँ को भी पता है कि बेटी नहीं था यार। मुझे पागल करेगी ये, मेरे घर में घुस मत जाइयो। झूठ मत बोलो मम्मी, ये साथ जा, कहने भी करा इसके साथ जा तू, इसके साथ मेरे घर में ब्याह करती थी, तुमने बोला कि प्रेगनेंसी का झूठ नाटक जा रहा तू पैसे है। तू जब से यहाँ पे आई है ना, तेरी माँ ने कैमरा लगा रखा और ये बोल रखा है कि मेरी माँ, मैं क्या लगा, मेरी बेटी बुरी है, कब का ये बोल रही है? आपको नहीं पता यहाँ पे कैमरा लगा पड़ा? मुझे नहीं पता आपको कैमरा लगा पड़ा? अभी तो पता है तूने। झूठ मत बोलो, तुमने कहा कि कब से आ रखी है यहाँ पे?
तू इससे पैसे लेके मार। कब से आ रखी है? पहले से इसको पता है ना कैमरा लगा हुआ है? कैमरा निकलवा के रिकॉर्डिंग दिखाऊं तेरे को? कब के आ रखी है? कुछ भी हो बेटा जा मारो, जितना मर्जी जो मर्जी करो, अपना मुंह मत खोलना। लेकिन नहीं मम्मी, तुम झूठ मत बोलो। अब तुमने मेरे लिए कैमरा सामने लगा पड़ा है कैमरा, जो तेरा प्रेगनेंसी का गेम था वो हो चुका ओवर। मेरा किस बात का फोन खुल गया? बोल आ रही थी ना, अभी बोल रही ना अपनी बेटी। माँ हो तुम? अरे वो झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, झूठ बोलेगी। अपनी बेटी से ही प्रेगनेंसी का नाटक करके 5 लाख रुपए लेके अपने घर को भर रही है और कुछ नहीं कर रही। अरे नहीं कर रही है तू, नाटकबाज है तू, एक नंबर की फ्रॉड है तू। तुम्हारे कहने से और नहीं तो क्या है, तेरी बेटी खुद ही बोल रही है। झूठ बोल रही है? अच्छा झूठ बोल रही है अभी? झूठ बोल ऐसे ही बोल देगी? नहीं मुझे नहीं पता था, तुमने तो ये बोला जो कुछ भी हो झूठ बोल रही ना। चलो तुम्हारी बात बड़ी, आज के बाद तुम्हारा मेरा कोई मतलब नहीं है, ठीक है? आज मुझे अकेले फंसा के जा रही है यहाँ पे, फंसा के। अब देखो, अब सुन लो, फंसा के नहीं, मैं अपने घर जा रही, मुझे छोड़ो। जो तुमने करना वो करो, मरो जो करना करो। अब इससे तुम्हें पैसे नहीं लेने? मैं तो पहले भी नहीं ले रही थी। पूछ, जब तू पैसे दे रहा था मैंने क्या बोला था? मुझे नहीं पता पैसों का, बोला नहीं था तुझसे? झूठ बोल रही है इन्होंने, ये नाटक तुम्हारे साथ बोला करने के लिए। तुम तो प्यार करती थी मम्मी, तुम झूठ मत बोलो, मर जाओ। एक मिनट, तेरी माँ ने ही बोला था कि इसके साथ सोने के लिए और ड्रामा करने के लिए। मैं क्या बोलूंगी? तेरी माँ ने ही बोला था इस लड़के के साथ सोने के लिए और ड्रामा करने के लिए? नहीं, मैं इनके साथ मतलब कि प्यार करती थी, तो मम्मी ने बोला इस चीज का तू फायदा उठा, इनको ऐसे से बोल। बेटा मैंने ये नहीं सिखाया तुझे जो तू बकवास कर रही है। अब क्यों बातें छुपा रही हो? थप्पड़ मार दूंगा। थप्पड़ नहीं मारूंगा मैं इसको, नहीं जानती मैं, मेरी बेटी नहीं है ये जो इतना झूठ बोले। खड़ी हूँ यही, भाग नहीं रही हूँ। इधर 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 आ, हाथ जोड़ के सामने कैमरे के सामने खड़े हो जाओ दोनों बाँ बेटी। अब मैं क्यों खड़ी हूँ? थप्पड़ मारूंगा आंटी, ज्यादा बनो मत। मैंने कुछ नहीं किया। वहाँ पे बोलो जो ये इससे जो भी जो जो चीजें हो रही थी बताओ, कि पहले से शादी शुदा है, क्या ड्रामा चल रहा था बताओ। तो वो तो मुझे पता ही है, बताओ। मैं पहले से शादी शुदा थी और मैं बाद में मुझे मैं पहले से शादी शुदा थी, मेरा पति मेरे साथ नहीं रहता, उसके बाद मेरे को इसकी जरूरत पड़ी, और उसके बाद जब मुझे पैसों की जरूरत पड़ी तो मैं इस पे झूठा प्रेगनेंसी का केस लगा रही थी, ताकि ये वीडियो तेरी ताकि ये वीडियो तेरा पति भी देखे। मैं तो इनसे प्यार करती थी, मम्मी ने बोला कि इनको अब झूठा फंसाएंगे, इनसे पैसे हटेंगे। लेकिन साला माँ बेटी मिलके यहाँ पे धंधा चला रही है पैसे लेने का और कुछ नहीं है। और ये इसको क्या बोलेंगे? घर को ऐसे ही तो भर रहे हो अपने गरीबों को मार के, शर्म आनी चाहिए आपको। अरे कितने पैसे? अबे जाओ ना, अपनी बेटी का हाथ पकड़ो, निकलो यहाँ से। तू यहाँ से जाओ और आप भी यहाँ से चुपचाप निकलो। चलो बकवास कर रहे हो यहाँ पे, तेरे को और कोई नहीं मिला था? और कोई नीचे नीचे नीचे। भाई मेरे को नहीं पता था शादी शुदा गलती तेरे साला हरामी। भाई सच में मुझे नहीं पता था, साला प्यार कर रहा है शादीशुदा लड़की के साथ और माँ मिलके बेटी मिलके साले को चूतिया बना रहे, और साला चूतिया बन रहा। भाई पता होता तो मैं थोड़ी करता ये सब। उतर जूता। नहीं भाई नहीं, देख लिया भाई, मिल गई कलेजे को ठंडक। साला जो हेल्प मांगने के लिए आते हैं वही भी शामिल होते हैं, बताओ। पैसों के लिए कोई कितना क्या कर सकता है ये बताओ। आप सभी के साथ तो एक ही रिक्वेस्ट है, फ्री की चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आई लव यू सो मच आप सभी को, एडवांस में हैप्पी दिवाली आप सभी को, ऐसी दुआओं में याद रखो। और जल्दी से 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। आप एक स्क्रीन शॉट आ रहा है, उसका स्क्रीन शॉट लो और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दो, और साथ में दिवाली मनाएंगे। लव यू ऑल, ध्यान रखा कर अपना।